हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस। स्कर्ट बोर्ड के बारे में बात करें तो यह सामान्यतः किसी भी बेल्ट कन्वेयर में लगा हुआ होता है। आप जैसा कि इस ड्राइंग में देख सकते हैं, ये एक स्कर्ट बोर्ड है। इसका शेप स्कर्ट की तरह होता है, जैसा आप देख सकते हैं, ये स्कर्ट की तरह इसका शेप होता है, इसलिए इसका नाम स्कर्ट बोर्ड है। बेल्ट कन्वेयर में जहाँ पर भी मटेरियल फीड करते हैं, यह वहाँ पर लगा होता है और मटेरियल को सामान्यतः बेल्ट से बाहर गिरने नहीं देता है। एवं यहाँ पर जो डस्ट एक्यूमुलेट होता है, उस वेंट डस्ट जिसे बोलते हैं, यहाँ पर वेंट हुड लगाया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इस हुड के थ्रू जो वेंट है वो बैक फिल्टर में सर्कुलेट होती है, या बैक फिल्टर यहाँ से सक्शन लेता है। सबसे पहले हम सभी शेप्स को रीजन या बाउंड्री का उपयोग करके एक्सट्रूडेबल फॉर्म में ले आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, एक रीजन बना हुआ है। तो इस तरह हम रीजन सभी पार्ट्स का बना लेते हैं और उसको वन बाय वन एक्सट्रूड करते हैं। यहाँ पर मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर लगभग स्कर्ट बोर्ड की लेंथ है वो 3 मीटर कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू में जाता हूँ, आप इसमें देख रहे हैं। अब सबसे पहले मैं एक्सट्रूड कमांड यूज़ करता हूँ, जो कि यहाँ पर दी हुई है। इसको सेलेक्ट किया मैंने, ये सेलेक्ट किया, जिस ऑब्जेक्ट को मुझे 3 मीटर पूरा सेलेक्ट करना है उसको मैं सीधे एक्सट्रूड कर देता हूँ। लेंथ मैं 3 दे देता हूँ, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में, तो -3.0 कर देता हूँ। तो ये एक्सट्रूड हो गया है, आप देख रहे हैं, ये हमारा एक्सट्रूड हो चुका है। इसके पश्चात यहाँ पर एक रबर लगी होती है, इस रबर को भी हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो एंगल से लॉक होती है और ये एक एंगल प्लेट का बना रहता है, इसको भी, इन तीनों पार्ट को हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसको हम एक्सट्रूड गए सीधे, इसको 3 मीटर हम एक्सट्रूड कर लिए, ये 3 मीटर हमने एक्सट्रूड करके इसको बना लिया। चलिए, इसके पश्चात अब हमारा इस स्कर्ट बोर्ड को, जो यहाँ पर एक स्ट्रिंजर रहता है, अभी मैं यहाँ टेम्परेरी 2 स्ट्रिंजर बना लेता हूँ, एक्सट्रूड कर लेता हूँ इसको, और इसको 5-5 मीटर के आसपास ले लेता हूँ मैं, ताकि चीज़ें दिखने लगें व्यवस्थित। अब हमारा बारी आती है एक्सटेंड। यहाँ पर एक एंगल का फ्रेम बना होता है जो कि इस स्कर्ट बोर्ड को लॉक करेगा। तो मैं इस एंगल को पहले से ही बना के रखा है मैंने, एंगल शेप में ऑब्जेक्ट को, इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा। अब मैं इस पाथ के अलॉन्ग एक्सट्रूड करूँगा, तो यहाँ पर पाथ दी हुई है, तो पाथ सेलेक्ट करता हूँ और मैं पाथ को ये पाथ दे देता हूँ, ये तो हमारा ये एक्सट्रूड कमांड कम्प्लीट हो गया। इसके पश्चात यहाँ पर एक गसेट प्लेट होती है, इसको भी एक्सट्रूड करके मैं लगभग थिकनेस इसकी 10 mm के आसपास रहती है, तो 10 mm दे देता हूँ। और बेस प्लेट रहती है एक, और टॉप में एंड प्लेट रहती है, जो कि स्कर्ट बोर्ड के साथ में लगी हुई होती है। तो इसको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ, लगभग 95 mm के आसपास मैं इसको ले लेता हूँ, क्योंकि 10-10 mm दोनों ओर एंगल 75 का है, तो 10-10 mm एक्स्ट्रा बाहर निकला रहेगा वेल्डिंग करने के लिए। तो मैं इसको 95 mm ये बढ़ा लेता हूँ, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो इस तरह से अब आप देख पा रहे हैं, ये जो प्लेट है इस प्लेट में वेल्डेड है, इस स्ट्रिंजर में हम प्लेट को वेल्डिंग करेंगे। ये सपोर्ट है, गैसेट प्लेट से हमारा ये स्टैंड लॉक हो चुका है। ये हमारी रबर है, ये रबर है जो कि बेल्ट रहता है, उस बेल्ट में लगी रहती है, लॉक करती है बेल्ट से, और ये इस शेप का बना होता है नट बोल्ट के थ्रू। नट बोल्ट एक्चुअल में ये जो बोल्ट रहता है, ये मैं थोड़ा सा इसको अंदर कर लेता हूँ, लगभग 50 mm के आसपास। ये यहाँ पर इस मदर प्लेट के साथ में, मतलब स्कर्ट बोर्ड की ये साइड वॉल है, इसके साथ में ये वेल्डेड रहता है, और जिससे हम ये नट ओपन करके और ये स्कर्ट बोर्ड और ये पूरी असेंबली को अलग कर लेते हैं। इसको मैं सबसे पहले एरे कर लेता हूँ, रेक्टेंगुलर एरे, क्योंकि मल्टीपल चाहिए मुझे। तो एक रखता हूँ, एक्स डायरेक्शन में ये हो रही, तो पहले मैं अपने जेड एक्सिस को चेंज कर लूँ, जेड को मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं व्यू पोर्ट में जाता हूँ, यहाँ पर एक एक्सिस है जेड एक्सिस, इसको मैं सेलेक्ट करके टॉप में कर लेता हूँ। अब मैं एरे कमांड यूज़ करता हूँ, एक्चुअल में एक्स वाई प्लेन में ही वो एरे होता है, तो हमारा अभी प्लेन डिफरेंट था, अब हम इसको एरे कर लेते हैं। तो जैसा कि आप इसमें अब देख पा रहे हैं, ये इसका रो कॉलम तो मैं एक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक चाहिए, और ये मैं इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स कर देता हूँ, तो रोज़ तो मैं नहीं, बिटवीन कर देता हूँ, लगभग 200 mm के आसपास गैप में अपन इसको कर लेंगे, और टोटल लगभग आप समझ लीजिए कि 2800 के आसपास रख लेते हैं इसको, 7 कर लेते हैं।
तो इस तरह से ये हार्डवेयर इसमें लग गए हैं पूरे, आप देख सकते हैं। अब हमारी बारी आती है इस तरह का सेम पैनल को अपोजिट डायरेक्शन में करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, पहली बात तो मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, ये प्लेट छूट गई है तो इसको भी मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा दूर मूव कर लेता हूँ ताकि हमारा 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट दूर हो जाए। 3500 के आसपास मैंने डिस्टेंस कर लिया, इस छूट गया ये, तो इसको भी हम 3500 मूव कर लेते हैं। इसके पश्चात हम 3D मिरर कमांड यूज़ करेंगे इन दोनों, इन सभी ऑब्जेक्ट को हमें इस डायरेक्शन में लेने के लिए। तो ये मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिन जिन को हमें 3D मिरर करना है। ये एक और ऑब्जेक्ट में प्लान कर लेता हूँ, इसको भी मैं एरे करके रख ही लेता हूँ लगे हाथ। ये ऑब्जेक्ट को एरे करने के लिए मैं सिंपली वही कमांड एरे, हम कॉलम एक कर लेते हैं और ये लगभग 4 कर लेते हैं और टोटल डिस्टेंस 2500 पे ले लेते हैं। तो ये 4 हो गया, ये ओके कर लेते हैं इसको। इसको थोड़ा सा 250 के आसपास हम मूव कर लेते हैं ताकि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अंदर चला जाए। अब इन सभी ऑब्जेक्ट को मैं मिरर करता हूँ, 3D मिरर जिसको बोलते हैं। 3D मिरर कमांड चलाने के लिए इम्पोर्टेंट प्लेन है, किसी न किसी प्लेन के थ्रू उसको मिरर करना पड़ेगा। तो मैं सेलेक्ट कर लिया 3D मिरर, एंटर, पूछ रहा है कि किस प्लेन। तो अब हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मुझे चाहिए है। तो देख सकते हैं आप, ये YZ प्लेन है, तो मैं यहाँ YZ प्लेन करूँगा और एग्जैक्टली वो प्लेन सेंटर में रखना पड़ेगा मुझे। तो मैं ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बोल रहा है सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो मैं बोलता हूँ नो, क्योंकि मुझे दोनों साइड चाहिए। तो देखिए दोनों साइड हमारे ये ऑब्जेक्ट ये बन गया है। तो अब हमारा ये स्कर्ट बोर्ड जो है 3D फॉर्म में रेडी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इंक्लूडिंग यहाँ पे एक हार्डवेयर का छूट गया मेरा, तो इसको फिर से मैं 3D मिरर कर लेता हूँ। 3D मिरर वही हम सेलेक्ट करेंगे, YZ प्लेन, और उसको सेंटर में सेलेक्ट कर लेंगे, ये नो कर देंगे ये। तो इस तरह से ये हमारा नट एंड बोल्ट लग जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारा अलग रहता है, जैसा कि हम इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसके नट को हम खोल लेंगे, जिससे ये ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा। अभी मैं जैसे ये करता हूँ, ये अलग हो जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा, और ये रबर जो है ये अलग हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो रबर है हमारे बेल्ट के साथ में, जो यहाँ पर ये बेल्ट लगी हुई होती है, इसको भी मैं 3500 ले लेता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए। ये तो ये हमारी रबर के साथ में अटैच रहती है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये, और ये एडजस्टेबल रहती है। ये नट को लूज़ कर लेंगे और ये रबर को हम जैसे जैसे रबर जो है घिसती जाएगी, तो वैसे वैसे इस रबर को हम नीचे करके बेल्ट के साथ में टाइट कर देंगे, ताकि मटेरियल हमारा बेल्ट से बाहर ना निकले। इस तरह हम 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करते हैं, और ये हमारे बेल्ट के साथ जब लगा हुआ होता तो इस तरह दिखता है। हमने लगा दिए, ये देखिए आप जैसा इसमें देख पा रहे हैं। तो इस तरह से स्कर्ट बोर्ड होती है। स्कर्ट बोर्ड में दोनों साइड में एंगल से हम यहाँ पर लॉक प्लेट या बैक प्लेट जिसको बोलते हैं, फ्रंट प्लेट, यहाँ पर कर्टन लगा के लॉक कर लेते हैं। तो इस तरह से स्कर्ट बोर्ड बनाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।